नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मुख्यमंत्री जनता दरबार में फरियादी बनकर पहुंची एक छात्रा, और उस समय जब अपनी फरियाद सुना रही थी तो मुख्यमंत्री जी को बड़ी बात कह दी और कह दी कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे फरियाद सुनाने आई हूं, कृपया हमारी फरियाद 2 मिनट कम से कम सुन ले। जब लड़की ने अपने पत्रकार पिता पर हुए केस की जांच के संबंध में बातें रखी, मुख्यमंत्री जी गुस्से में हुए और तुरंत ही कार्रवाई को लेकर फोन लगा दिया। पहले और आपको बताऊं इसके विस्तार से, तो आप सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को देख लें कि किस प्रकार से अपने पिता के लिए फरियाद करने आई छात्रा ने किस प्रकार से मुख्यमंत्री को शांत कर दिया। पहले उस वीडियो क्लिप को देख लें। नहीं बताइए, क्या मामला बताइए। सर, मेरा नाम रुचि भारती है, मैं बनारस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा ये फाइनल ईयर है। सर, मैं पूरी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के जीवली गांव से आई हूँ। सर, मेरे पिताजी नीरज कुमार 20 वर्षों से दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। सर, उनको झूठे मुकदमे में आज से 9 महीने पहले फंसा दिया गया। सर, 9 महीने से मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका है मुख्यमंत्री। और हम लोग जी सर, मेरे पिताजी को सर टीआईजी सर पिताजी मुख्यमंत्री जी सर, बस 2 मिनट आप हमें मौका दीजिए बोलने का। सर, मेरा कॉलेज आज से 10 दिन पहले खुल चुका है, लेकिन बस हम आपसे मिलने के लिए इंतजार में थे। बस एक बार आपसे मिलकर अपनी बात करेंगे। सर, मेरे पिताजी को 9 महीने से सर न्याय के लिए मेरे पिताजी दर दर भटक रहे हैं। सर, 11 जून को डीआईजी चंपारण परिक्षेत्र बेतिया ने सर इस केस की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट तौर से इस केस को संदेहास्पद करार दे दिया। और सर, उसके बाद 9 बिंदुवार जांच दिए अनुसंधानकर्ता को इस केस के, और 9 बिंदुवार जांच की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। ये सर नहीं किया है। सर नहीं किया। सर आगे तो सुन लीजिए सर। उसके बाद मेरी बताइएगा क्या सर, केस अगर ऊपर है, केस है ना ऊपर, क्या उसका उसकी जांच नहीं हुई अभी? सर, जांच कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं कर रहा, तुरंत करेगा, देखेगा। सर, उनके प्रिंसिपल से बैठे खुल गई। सर, एक बार डीएसपी सर जो पकड़ी गया है सुनील कुमार सिंह सर, उनको अपने स्तर से सर बोला जाए। अरे, अभी सबसे ऊपर तो भेज रहे, सुन नहीं रही है, पढ़ती हो, इतना भी सेंस नहीं है। अरे हेलो भाई, लड़की आई है, इसके पिताजी हैं कोई पत्रकार, पर केस चला, लेकिन कोई जांच भी नहीं कर रहा और परेशान। इनका पूरा बात समझ, सही है गलत है, इसको समझ करके एक्शन तुरंत कर। अभी आपने देखा फरियादी छात्रा की उससे बात को, जब वह मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंची और अपनी बात को रख रही थी, इसी बीच मुख्यमंत्री जी उसी के संबंध में दस्तावेज पर ध्यान दे रहे थे, तो अचानक वह लड़की बोल पाई कि मुख्यमंत्री जी, जांच तो नहीं हो रही है, हम आपके पास में फरियाद करने पहुंची हो, कम से कम 2 मिनट तो सुन लीजिए। बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर उस केस को देखने के लिए कि जो भी चीज़ सही है उसकी जाँच किया जाए, संतोष लोगों को किया जाए। फिर उसके बाद लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहा गया। आपने तमाम चीज़ों को देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।